हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएस स्टडी फॉर सीबीएसई पैटर्न। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 23 डेटा हैंडलिंग थर्ड एंड द टॉपिक इज बार ग्राफ्स। ठीक है, तो बार ग्राफ होते क्या है? यहाँ बोल रहे हैं इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन दैट रिप्रेजेंटिंग डेटा बाय पिक्टोग्राफ इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट एट टाइम डिफिकल्ट टू। यानी कि हमने क्या देखा कि पिक्चर्स बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है ना, और उसको टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल, ज़्यादा यूजफुल नहीं है ये। देयर इज एन अल्टरनेटिव मेथड टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल डेटा बाय यूजिंग बार्स यानी कि रेक्टेंगल्स। सच मेथड इज कॉल्ड अ बार डायग्राम और अ बार ग्राफ। तो हमने क्या देखा कि न्यूमेरिकल डेटा जो है उसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा मेथड भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बार्स। ठीक है, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, बार डायग्राम और बार ग्राफ। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, बार ग्राफ के बारे में जानेंगे और उसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है या उसका कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाता है वो हम यहाँ पर लर्न करेंगे। सो वट इज बार ग्राफ? अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा बाय अ नंबर ऑफ बार्स यानी कि रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ इरेक्टेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन डैम। यानी कि जब भी हम न्यूमेरिकल डेटा को पिक्टोरियल पिक्चर्स यानी कि बार ग्राफ्स में दिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है, उनके बीच में एक इक्वल डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है। ठीक है, ईच रेक्टेंगल और बार रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा एंड सो देयर आर एज मैनी बार्स एज द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द न्यूमेरिकल डेटा। जितने भी हमारे रेक्टेंगल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी उतनी ही ज्यादा उसमें रेक्टेंगल्स बनाए जाएंगे। द हाइट और लेंथ ऑफ अ बार इंडिकेट्स ऑन अ सुटेबल स्केल द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। और बोल रहे हैं कि जो रेक्टेंगल्स की हाइट या लेंथ होती है वो किस पे इंडिकेट करती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे यानी कि न्यूमेरिकल डेटा पर। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ बार ग्राफ वी ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इन दी प्लेन पेपर। ठीक है, प्लेन पेपर पे क्या करते हैं, हम टू लाइंस ड्रॉ करते हैं, वन हॉरिजॉन्टल एंड द अदर इज वर्टिकल। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इफ द बार्स आर ड्रॉन वर्टिकली ऑन हॉरिजॉन्टल लाइंस देन द स्केल ऑफ हाइट ऑफ द बार्स और रेक्टेंगल्स इज शोन अलोंग वाई एक्सिस। इफ द बार्स आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली ऑन द वर्टिकल लाइन देन द स्केल ऑफ हाइट ऑफ द बार्स और रेक्टेंगल्स इज शोन अलोंग एक्स एक्सिस। द बार्स कैन बी शेडेड हैश्ड और कलर्ड। ठीक है, यानी कि वहां पे हमें दो एक्सिस दे रखे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, उन दोनों ही एक्सिस पे, एक पे हमारी न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू होती है और दूसरे पर उससे रिलेटेड रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग बार ग्राफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ड इन माइंड। यानी कि बार ग्राफ को बनाते वक्त हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में कीप करके रखना है, वो हम देख लेते हैं। द विड्थ ऑफ द बार शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यानी कि जो विड्थ है बार की वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए पूरे बार ग्राफ में। द गैप बिटवीन वन बार एंड अनदर शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यानी कि एक बार ग्राफ में जो एक रेक्टेंगल है उसके बीच का दूसरे वाले रेक्टेंगल के बीच में जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, वो क्या होना चाहिए, हर बार इक्वल होना चाहिए। बार्स में भी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बार्स को हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। द वर्टिकल बार शुड बी प्रेफर्ड बिकॉज दे गिव अ बेटर लुक। जो वर्टिकल बार होता है वो ज्यादातर हम ड्रॉ करते हैं बिकॉज उससे क्या होता है, एक अच्छा लुक आता है क्वेश्चन को देखने में। नाउ रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ्स। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इन रीडिंग अ बार ग्राफ इज टू नो वट इट रिप्रेजेंट्स और वट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय इट। यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बार ग्राफ को रीड करके बताना कि उस पर कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है।
For this, we read the captions which are generally written just below the horizontal lines and adjacent to vertical line. ठीक है, और उसके लिए हमें क्या देखना होता है, जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उनमें दोनों के पास ही उनकी इंफॉर्मेशन गिवन होती है. आफ्टर नोइंग दैट व्हाट डज अ बार ग्राफ रिप्रेजेंट, वी रीड द स्केल सो दैट वी कैन नो द प्रिसाइज वैल्यू इन द गिवन डेटा. और जब हमें ये पता चल जाता है कि जो हमने बार ग्राफ बनाया है वो किसके बारे में है, यानी कि व्हाट इंफॉर्मेशन इट इंडिकेट्स, तो हम क्या करते हैं उसके बीच का जो वैल्यू है स्केल वैल्यू के, एक स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स टू मैंने हमने क्या लिया है, तो वो डेटा हमें यहाँ से पता चल जाता है. आफ्टर रीडिंग अ बार ग्राफ वन मस्ट बी एबल टू ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजन फ्रॉम इट, यानी कि बार ग्राफ को रीड करने के बाद जो भी इसको रीड करता है उसे एक कंक्लूजन मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है. ड्रॉइंग सम कंक्लूजन फ्रॉम अ गिवन बार ग्राफ मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द बार ग्राफ, यानी कि जो बना हुआ ऑलरेडी एक ड्रॉ किया हुआ बार ग्राफ है उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना ही क्या कहलाता है, इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेन ऑफ द बार ग्राफ. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 23.1. क्वेश्चन नंबर वन है आपका, द फॉलोइंग टेबल शोज द डेली प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन एन इंडस्ट्री फॉर 7 days ऑफ अ वीक, यानी कि किसी एक इंडस्ट्री ने क्या किया है, प्रोडक्ट किए हैं टीवी सेट्स. ठीक है, तो उन्होंने एक वीक में कितने टीवी प्रोडक्ट्स पर डे किए हैं प्रोडक्शन उसका, वो दे रखा है. जैसे मंडे को 300, ट्यूसडे को 400, वेनेसडे को 150, थर्सडे को 250, फ्राइडे को 100, सैटरडे को 350 और संडे को 200. ठीक है, तो बोले रिप्रेजेंट दी अबव इंफॉर्मेशन बाई अ पिक्टोग्राफ, एक पिक्टोग्राफ के थ्रू हमें इस इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल अपना ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ टीवी सेट्स, यहाँ आ जाएंगे आपके डेज और यहाँ आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ टीवी सेट्स. ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखिए एक पिक्चर ड्रॉ करनी है. टीवी सेट है तो टीवी की ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से. ठीक है, इक्वल्स टू वन टीवी इक्वल्स टू हम मान लेते हैं यहाँ पे 50 टीवी. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपने डेज राइट करते हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ठीक है, तो मंडे को 300 टीवी सेल हुई है, यानी कि 50 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 टीवी ड्रॉ करने हैं. वन टू थ्री फोर फाइव 6 टीवी. ठीक है, ट्यूसडे को है 400 टीवी, यानी कि इसको जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा. तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, 8 टीवी ड्रॉ करनी है. वन टू थ्री फोर फाइव 6, 7 एंड 8. उसके बाद वेडनेसडे को 150 है, यानी कि यहाँ पे आपको 3 टीवी ड्रॉ करनी है. ठीक है, अब आ जाइए थर्सडे पे. थर्सडे पे है आपकी 250, यानी कि यहाँ पे आपको 5 टीवी ड्रॉ करनी है. 2, 3, 4,
ठीक है। फ्राइडे को है आपकी 100 टीवीज, यानी कि आपको यहाँ पे 2 टीवीज ड्रॉ करनी है। सैटरडे को है 200, यानी कि यहाँ पे आपको 4 टीवीज ड्रॉ करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ मारुति कार्स सोल्ड बाई 5 डीलर्स इन अ पर्टिकुलर मंथ। यानी कि 5 डीलर्स ने क्या करा है, मारुति कार्स को सोल्ड किया है एक मंथ में। तो डीलर्स के नेम दे रखे हैं एंड कार सोल्ड। सायन ने 60, बग्गा लिंक्स ने 40, डीडी मोटर्स ने 20, भासिन मोटर्स ने 15 एंड कॉम्पिटेंट मोटर्स ने 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय अ पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेबल ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस टेबल में आपको राइट करना है डीलर्स नेम एंड यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स सोल्ड। अब हम यहाँ पे डीलर्स के नेम राइट कर लेते हैं, साया बग्गा लिंक्स डीडी मोटर्स भासिन मोटर्स एंड कॉम्पिटेंट मोटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साया जो है उन्होंने 60 मोटर्स को क्या किया है, सेल किया है। और हमें यहाँ पे मोटर बनानी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इक्वल्स टू हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 मोटर इक्वल्स टू 10 मोटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 60 मोटर्स सेल की हैं, तो हमें यहाँ पे क्या बनानी पड़ेंगी, 6 मोटर्स बनानी पड़ेंगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, उसके बाद है बग्गा मोटर्स की 40 है, तो 4 ड्रॉ करनी पड़ेंगी। वन टू थ्री फोर। ठीक है, डीडी मोटर्स की 20 है, तो 2 ड्रॉ करनी पड़ेंगी। वन टू, भासिन मोटर्स की 15 है, तो हम क्या करेंगे, पहले कंप्लीट 1 का ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे हाफ का ड्रॉ करेंगे। इट मीन्स ये आपका 5 शो कर रहा है, तो हो जाएगी 15। कॉम्पिटेंट मोटर्स की 10 है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक कार ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली स्टेट इन डिफरेंट सेंसस ईयर इज एज गिवन बिलो। दिल्ली की आपको क्या दे रखी है, पॉपुलेशन दे रखी है, सेंसस ईयर कौन सा है, 1961 में 30 लाख, 1971 में
55 लाख, 1981 में 70 लाख, 1991 में 110 लाख एंड 2001 में 150 लाख। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ बार ग्राफ। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें बार ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारे लिए है एक्स एक्सिस। उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन यानी कि ओ। अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमारा सेंसस ईयर है वो तो हमें यहाँ पर राइट करना है। ठीक है, और जो हमारे नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन लैक है वो आपको यहाँ राइट करनी है। पॉपुलेशन इन लैक्स, ठीक है। अब सेंसस ईयर क्या करना है आपको, देखिए वन ब्लॉक का स्पेस रखना है हमें, तो पहला ब्लॉक छोड़ते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1961। एक ब्लॉक फिर से छोड़ना है, यहाँ आ जाएगा आपका 1971। फिर से एक ब्लॉक छोड़ना है 1981। फिर से एक ब्लॉक छोड़ना है 1991 एंड यहाँ आ जाएगा आपका 2001। ठीक है, एक एक ब्लॉक जो हमने यहाँ पे स्पेस दिया है। और पॉपुलेशन इन लैक्स है, इसे हमें क्या करना है, यहाँ हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऊपर वन इस बिग स्क्वायर इक्वल्स टू 10 लैक। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं, 10 10 का गैप ले लेते हैं यहाँ पे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इसी तरीके से हमें और आगे तक राइट करना है। तो देखिए उसी तरीके से हमने 100 के बाद 110 120 130 140 150 एंड 160 तक ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1961 में हमें दे रखी है 30 लाख की पॉपुलेशन, तो हम क्या करेंगे, इसको 30 के इक्वल तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है 1971, 1971 में है 55 लाख, तो 55 लाख, देखिए 50 तो आपका यहाँ आ रहा है, 55 आपका आ जाएगा इस मिड पॉइंट पे, तो हम इसके इक्वल में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 1981, 1981 में 70 लाख है, तो 70 के पास तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1991 में 110, तो 110 आपका यहाँ आ रहा है, इसके इक्वल में यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 2001, 2001 में 1,50,000 तक, तो इसको हम 1,50,000 तक पूरा ड्रॉ करेंगे।
है, ये देखिए एकदम 150 के ठीक सामने आ रहा है। ठीक है, ये आपका जो बार ग्राफ है वो बनके रेडी हो गया है। ओके, मैं इसको और थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। देखिए ये आपका बार ग्राफ बनके रेडी है। ठीक है, यहाँ पर है आपके सेंसस ईयर, और यहाँ है आपकी पॉपुलेशन इन लेग्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। रीड द बार ग्राफ शोन इन फिगर 23.8 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो आपको बार ग्राफ दे रखा है इसे हमें देखना है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, स्टेट्स एंड नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, यानी कि एक स्टेट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कितनी नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड असम। ठीक है, दिल्ली में सोल्ड हुई है 80 टिकट्स, पंजाब में 50 टिकट्स, हरियाणा में 100 टिकट्स, राजस्थान में 20 एंड असम में 40 टिकट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बार ग्राफ तो हमने रीड कर लिया, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ में हमें क्या क्या दे रखा है, बार ग्राफ ऑफ द टिकट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स लॉटरी सोल्ड बाय एन एजेंट ऑन अ डे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है यहाँ से। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकेंड है हाउ मेनी टिकट्स ऑफ असम स्टेट लॉटरी वर सोल्ड बाई द एजेंट, यानी कि असम का जो एजेंट है उसने कितनी टिकट सोल्ड की हैं। तो असम में आ गई आपकी 40 टिकट्स, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, 40 टिकट्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफ विच स्टेट वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, यानी कि किस स्टेट की सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड हुई हैं। तो वो है आपका हरियाणा, 100 टिकट सोल्ड हुई हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इज देयर टाइम्स द मिनिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, 3 टाइम्स है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में 3 टाइम्स का गैप है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे देखिए मिनिमम है वो है 20 और मैक्सिमम है 100, तो 3 टाइम अगर हम 20 का करेंगे तो 60 ही होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो गई, फॉल्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी 5th पार्ट पे। ऑफ विच स्टेट वर द मिनिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, तो मिनिमम टिकट्स किसकी सोल्ड हुई है, राजस्थान की, क्योंकि उसकी सिर्फ 20 टिकट्स ही सोल्ड हुई हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्टडी द बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पर्सन इन वेरियस एज ग्रुप इन अ टाउन शोन इन फिगर 23.9, ऑब्जर्व द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है बार ग्राफ किस इंफॉर्मेशन के बारे में दिया गया है, एज और नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे यहाँ दे रखा है कि आपके जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप के कितने कितने पर्सन हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द यंगेस्ट एज ग्रुप पर्सन ओवर दीज ऑफ द ओल्डेस्ट एज ग्रुप, तो ओल्डेस्ट एज ग्रुप यहाँ पे कितना है आपका, 75, ये 70 से 75 के बीच में, और जो यंगेस्ट एज ग्रुप है वो आपका 10 to 15 में, तो ये है आपका 1400। ठीक है, और जो ओल्डेस्ट ग्रुप है वो है आपका 300, और हमें परसेंटेज निकालनी है यंगेस्ट एज ग्रुप टू ओवर दोज ऑफ द ओल्डेस्ट एज ग्रुप। तो यहाँ देखिए आपका जो ओल्ड वाला है वो ऊपर आ जाएगा, सॉरी यंगेस्ट एज ग्रुप है वो आपका न्यूमरेटर में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1400 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका ओल्डेस्ट एज ग्रुप यानी कि 300, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई,
तो यहाँ देखिए दो जीरो जो है वो दो जीरो से कट हो गए हैं। अब आपके पास यहाँ बचा है 1400 अपॉन 3, ठीक है। अब 3 से 1400 को डिवाइड कर लीजिए, तो हो जाएगा 3 4 12 माइनस 2 0, 3 6 18 माइनस करेंगे 2 0, उसके बाद भी 3 6 18 माइनस करेंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका 466, रिमाइंडर ऊपर और डिनोमिनेटर आपका नीचे। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1400 माइनस 300 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 1100, इनके बीच का आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा आपका 1100, तो यहाँ भी आपका कट के क्या हो जाएगा 1100। अब 1100 को से डिवाइड करना है, तो 3 3 9 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 2 आया। उसके बाद हमने जो किया है 3 3 3 6 18 एंड 3 6 18, वो आपका कंप्लीट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपकी जो परसेंटेज आएगी वो आएगी 366 2/3%, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, टाउन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो उसके लिए आपको पहले इन सबकी नंबर्स पता होनी चाहिए। 22 25 के बीच के हैं 1200%, 30 टू 35 के बीच के हैं 1100, 40 और 45 के बीच के हैं 1000%, 50 और 55 के बीच के हैं 900, 60 और 65 के बीच के हैं 800, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। 1400 प्लस 1200 प्लस 1100 प्लस 1000 प्लस 900 प्लस 800 प्लस 300 इक्वल्स टू 00, तो आपके आ ही जाएंगे वन सेंटेंस वाले। अब 8 और 3 11 20 21 22 23 27 का 7 2 कैरी गया, 2 और 1 3 4 5 6 6700, ठीक है। ये हो गई आपकी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन द एज ग्रुप 60 टू 65। 60 टू 65 के बीच में है आपके 800%, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन आर मोर इन द ग्रुप 10 टू 15 देन द एज ग्रुप ऑफ 30 टू 35। तो 10 टू 15 है आपके 1400, इसमें से माइनस कर देते हैं 30 टू 35 वाला, यानी कि 1100। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 300। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ एग्जैक्टली 1200% लिविंग इन द टाउन, ठीक है। तो 1200 वाला बताना है, तो ये है आपका 20 टू 25, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन द टाउन इन द एज ग्रुप 50 टू 55। तो 50 टू 55 में है आपके 900%। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन द टाउन इन द एज ग्रुप्स 10 टू 15 एंड 60 टू 65। तो 10 टू 15 है आपके 1400% एंड 60 टू 65 है आपके 800%। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 2200%। नेक्स्ट है, वेदर द पॉपुलेशन इन जनरल इंक्रीजेस डिक्रीजेस और रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद द इंक्रीजिंग इन द एज ग्रुप। तो जैसे जैसे एज ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, डिक्रीजेस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रीड द बार ग्राफ शोन इन फिगर 23.10 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले हम बार ग्राफ को देखते हैं। बार ग्राफ में क्या शो रहा है, ईयर्स एंड नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यानी कि किस ईयर में कितने नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स थे,
बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया ड्यूरिंग सम इयर्स, ठीक है, इंडिया के अंदर कितने कितने बैंक्स किस किस ईयर में हुए हैं। तो 1969 में हुए हैं आपके 90, 1976 में हुए हैं आपके 100, 1977 में हुए हैं आपके 130, 1978 में हुए हैं आपके 140, 1979 में भी हुए हैं आपके 140, 1980 में हुए हैं आपके 150, 1981 में हुए हैं अप्रोक्सीमेटली, लेट्स चेक, 190, 1982 में हुए हैं आपकी ये 210, एंड 1983 में हुए हैं 230। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया ड्यूरिंग सम इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन 1977। तो 1977 में है आपके 130 बैंक्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन 1969 इन दैट टू दैट इन 1980। ठीक है, रेशियो बताना है आपको। तो 1969 में 90 है, रेशियो 1980 में 150 है। ठीक है, तो इनको 0 से 0 कटवा, 3 3 9, 3 5 15, तो आपका जो एग्जैक्ट रेशियो आ गया वो आ गया 3:5। ओके, नेक्स्ट है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, द नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन 1983 इज लेस देन डबल द नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन 1969। तो 1983 में आपके जो कमर्शियल बैंक्स है वो हैं 230, ठीक है, और 1969 में हैं 90। ठीक है, और इसका डबल हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 180। तो क्या हो रहा है, 1933, 1983 जो है उस क्या है, उसके कमर्शियल बैंक लेस हैं, तो लेस नहीं है अभी भी, क्या है, मोर है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, गिवन ब्लो फिगर 23.11 इज द बार ग्राफ इंडिकेट द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 50 इन मैथमेटिक्स पेपर बाय 100 स्टूडेंट्स। रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्क्स गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 0 से 9 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 25 स्टूडेंट्स के। 10 to 19 आए हैं 10 स्टूडेंट्स के। 20 to 29 के बीच में मार्क्स आए हैं 20 स्टूडेंट्स के। 20 to 39 मार्क्स आए हैं 22 स्टूडेंट्स के। एंड 40 to 49 के बीच में मार्क्स आए हैं 15 स्टूडेंट्स के। अब हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं। इट इज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कबुक इन ऑन मैथमेटिक्स टू द स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स से कम मार्क्स वाले बच्चों को क्या करना है, वर्कबुक देनी है। गिविंग वन बुक टू ईच ऑफ सच स्टूडेंट्स, इफ अ वर्क बुक कॉस्ट ₹5, व्हाट सम इज रिक्वायर्ड टू बाय दी वर्क बुक। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 20 से लेस मार्क्स लिए हैं। तो वह है आपके 25 + 10 इक्वल्स टू 35, और 35 को हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ वर्क बुक। तो 5 5 = 25, 2 कैरी गया,
फाइव से 15 और 2 17 175 रुपीज़। ओके, एक्चुअली आपके यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से मैंने रॉन्ग राइट कर दी, यहाँ पे आएगा आपका 27। ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका 12, यहाँ है आपके 24 और यहाँ आएंगे आपके 17 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका 27 और ये 12, तो ये हो जाएगा आपका 39। अब 5 9 45, 4 कैरी गया, 5 15 और 4 19, 195 आएगा। नाउ सी द सेकंड, एवरी स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द हाइएस्ट मार्क ग्रुप इज entitled to get a prize of ₹10. How much amount of money is required for distributing the prize money? तो सबसे पहले highest marks वाले बच्चे देखते हैं कितने हैं, 17 है, और 17 into 10 कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 170 rupees. Okay. Next, every student belonging to the lowest marks group has to solve 5 problems per day. How many problems in all will be solved by the student of this group per day? ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके 39 और पर डे उन्हें सॉल्व करनी है 5 प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हमें लोएस्ट वाला ही लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 27। 27 इंटू 5 कर देंगे तो 5 7 35, 3 कैरी गया, 5 2 10 और 3 13, 135 प्रॉब्लम्स ईच डे सॉल्व होंगी। ठीक है, नाउ सी स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है आपको। फर्स्ट है, 17% स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड मार्क्स रेंजिंग फ्रॉम 40 to 49, तो 40 to 49 के बीच में आपके 17 स्टूडेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 17 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें यहाँ चाहिए, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, 7 और 4 11 11 13 20 का 0 2 कैरी गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 100, 100 से 100 चला गया, तो यहाँ आ जाएगा आपका 17%। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी क्या है, ट्रू है। उसके बाद है, 59 स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड मार्क्स रेंजिंग फ्रॉम 10 to 29, तो 10 to 29 के बीच में हमें देखना है, तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 12 + 20 हो जाएगा आपका 32, बट यहाँ पे 59 दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी फॉल्स। ठीक है, अब आ जाइए फिफ्थ नंबर पे, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग लेस देन 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स कितने बच्चों को, 20 मार्क्स से कम कितने बच्चों को मार्क्स मिल रहे हैं, तो वो है आपके 27 + 12 यानी कि 0 to 9 और 10 to 19 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 39 स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 29 मार्क्स। 29 मार्क्स से ज्यादा कितने हैं बच्चे हैं, तो यहाँ पे हैं आपके 24 + 17 इक्वल्स टू 7 4 11, 1 कैरी गया, 1 1 2 और 4 यानी कि 41 स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स बिटवीन 9 and 40। 9 और 40 के बीच के मार्क्स हमें बताने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड कर लेना है, 12 + 20 + 24 इक्वल्स टू 4 और 2 6, 1 कैरी गया, 2 2 4 5 और 1 6। ठीक है, 2 और 4 6, 2 2 4 और 1 5 यानी कि 56 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, वट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द हाइएस्ट मार्क्स ग्रुप। हाइएस्ट मार्क्स ग्रुप आ रहे हैं आपके 17 स्टूडेंट्स के। ठीक है, नेक्स्ट है, वट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग मोर देन 19 मार्क्स। 19 मार्क्स से ज्यादा कितने बच्चों ने मार्क्स लिए, तो वो है आपके 20 + 24 + 17
इनको ऐड कर लीजिए, 7 4 11, 1 कैरी गया, 1 और 1 2, 3 4 5 6, 61 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बार ग्राफ आपको किस इंफॉर्मेशन के बारे में दे रखा है? नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इन इंडिया ड्यूरिंग सम ईयर्स, ठीक है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ? तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। सेकेंड है, स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर ट्रू और फॉल्स। तो देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1957 में आपके कितने नंबर ऑफ कंपनीज थी? 50। 1962 में भी 50। 1967 में है आपके, देखते हैं स्केल से मेजर करके, ठीक है। मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं जो भी जितने दे रखे हैं नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स। नाउ स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉलोइंग वेदर ट्रू और फॉल्स। तो द नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इन 1957 इज दैट ऑफ 1982। तो 1957 में आपके 50 कंपनीज हैं और 1982 में आपके 375 कंपनीज हैं, ठीक है। तो इसको हम 5 के डबल से कट करते हैं। 5 10 50, 5 7 35, 5 5 25, 5 2 10 एंड 5 5, 5 5 25। 2:15 आ रहा, बट कि यहाँ पे आपको दे रखा 1:9। तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज हैव डिक्रीज्ड ओवर द ईयर 1957 टू 1983। यानी कि 1957 से 1983 तक जाते हुए क्या हुई है, नंबर ऑफ कंपनीज डिक्रीजेस हुई हैं? नहीं, इंक्रीज हुई हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको बार ग्राफ क्या दे रखा है? स्टेट्स एंड प्रोडक्शन दे रखी है, यानी कि किस किस स्टेट में कौन कौन सी जो फसल है, यानी कि जो ग्रेन है वो प्रोडक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे पहला दे रखा है व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिया गया है द बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वीट एंड राइस प्रोडक्शन इन वेरियस स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। राइस सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है? तो वो है आपका यूपी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। वीट के लिए कौन सा है, वो भी आपका क्या है? यूपी है। विच स्टेट हैज टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड वीट एज इट्स मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं पहले सबको। तो देखिए, जब यहाँ पे यूपी में राइस और वीट दोनों की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आएगा? यूपी ही आएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। बट यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। राइस के जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर है वो क्या है? वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे आपका डब्ल्यू बी आएगा, यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका, विच स्टेट हैज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस मिनिमम। ठीक है, मिनिमम के लिए हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपका जो राइस यहाँ पे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में वीट जो है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये सबसे कम आएंगे। तो यहाँ पे हम अपना आंसर ऐड करते हैं महाराष्ट्र।
ओके क्वेश्चन नंबर 10। द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द हाइट इन सेंटीमीटर्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे आपको हाइट दे रखी है और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं क्लास 11 के। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव देयर हाइट्स मोर देन 149 सेंटीमीटर। मोर देन 149 लेना है आपको, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इनके नंबर राइट करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 140 से 144 के बीच में आपके 7 स्टूडेंट्स हैं, 145 और 149 के बीच के आपके 12 स्टूडेंट्स हैं, 150 और 154 के बीच के आपके 17 स्टूडेंट्स हैं, 155 और 159 के बीच में 9 स्टूडेंट्स हैं एंड 160 और 164 के बीच में आपके 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज निकालें ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू देयर हाइट मोर देन 149। तो यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं वो यहाँ देख लेते हैं, 7 और 12 19, 19 और 5 24, 24 और 9 33, 40 50 स्टूडेंट्स हो गए टोटल। और आपको क्या निकालना है, हाइट मोर देन 149, तो यहाँ पे 17 प्लस 9 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 17 और 5 22 और ये हो जाएगा 31। ठीक है, इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज से चेंज करना है, 0 0 5 5 5 2 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 62%। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स द क्लास आर इन द रेंज ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्लास। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो है आपकी यहाँ पे 17 सेंटीमीटर, सॉरी 162 164। तो इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वह हैं आपके 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्कूल वॉन्ट्स टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉनिक टू ईच स्टूडेंट बिलो द हाइट ऑफ 150 सेंटीमीटर टू इम्प्रूव हिज हाइट। 150 सेंटीमीटर से नीचे वाले बच्चे यानी कि 140 टू 144 एंड 145 टू 149। इफ द कॉस्ट ऑफ द टॉनिक फॉर ईच स्टूडेंट कम्स आउट टू बी 55 रुपीज, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। पहले यहाँ पे हो गया आपके, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 19। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 19 इंटू 55। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1045 यानी कि 1045 रुपीज। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द रेंज ऑफ शॉर्टर हाइट ऑफ द क्लास। शॉर्टर हाइट ऑफ द क्लास है आपकी 140 टू 144, उसमें है आपके कितने स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका, देयर आर 9 स्टूडेंट्स इन द क्लास हुज हाइट्स आर इन द रेंज ऑफ 155 टू 159। तो 155 टू 159 के बीच में 9 स्टूडेंट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट है, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास इज 17। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ स्टूडेंट 17 ही है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ट्रू हो जाएगी। एक्चुअली ये फॉल्स है क्योंकि मैक्सिमम हाइट सिर्फ 5 स्टूडेंट की है, 17 स्टूडेंट्स की नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपका, देयर आर 29 स्टूडेंट्स इन द क्लास हुज हाइट आर इन द रेंज ऑफ 145 टू 154। 145 से 154 के बीच में इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 27 और इसमें आपको क्या दे रखा है, 28।
नाइन, इन दोनों को ऐड करने पर 29 ही आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है, मिनिमम हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास इज इन द रेशियो ऑफ 140 to 144, यानी कि मिनिमम हाइट के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मिनिमम हाइट में हमारे बच्चे जो 140 से 144 हैं वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हैविंग देयर हाइट्स लेस देन 150 सेंटीमीटर इज 12। 150 सेंटीमीटर से कम वाले बच्चों की हाइट यहाँ पर क्या दे रखी है, 12 दे रखी है, तो यहाँ पे 12 और 7 ये मिलके हो जाएंगे आपके कितने, मिनिमम हाइट रेंज है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, सॉरी ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 77 + 12 करेंगे तो 19 हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली 12 ही दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है एफ वाला, देयर आर 14 स्टूडेंट्स ईच ऑफ होम हैज हाइट मोर देन 154, 154 से ज्यादा वाले बच्चे, तो 9 और 5 14 हो गए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बार ग्राफ आपको दे रखा है यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन लैक्स टन्स, ठीक है, तो बार ग्राफ आपको क्या बता रहा है, बार ग्राफ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन डिफरेंट ईयर्स इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ, क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन डिफरेंट ईयर्स इन इंडिया, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 1980 to 1981, तो 1980 से 1981 के बीच में आपके 1,86,000 tons सीमेंट का प्रोडक्शन हुआ है। थर्ड है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका मिनिमम जो है वो कितना हुआ है, 30 lakh tons, और कौन से ईयर में हुआ है, 1950 to 51 में, और मैक्सिमम वाला हुआ है आपका 1982 और 83 के बीच में, 232 lakh tons, ठीक है, 1982 और 83 के बीच में, ओके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। द बार ग्राफ शोन इन फिगर 23.16 रिप्रेजेंट द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन 10 लैंग्वेजेस, ठीक है, 10 लैंग्वेजेस में आपको दे रखा है यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश दे रखा है। तो आ जाइए पहला क्वेश्चन हम इसका रीड करते हैं, वट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूज पेपर पब्लिश इन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी एंड बेंगोली, तो यहाँ पे हिंदी वाला देखते हैं कितने हैं, थर्टी सेवन हंड्रेड प्लस, इंग्लिश वाला देखते हैं
ये है आपका 3400 उर्दू वाला, 700 प्लस पंजाबी, 200 प्लस बंगाली, ये आपका 1100। ठीक है, तो इन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो 0 0 आ जाएंगे आपके, 1 2 3 10 14 21 का, 1 2 कैरी गया, 3 4 5 6 7 8 9 9100। ठीक है, उसके बाद है व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन हिंदी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। तो हिंदी में आपके पब्लिश हुए हैं 3700 और टोटल न्यूज़पेपर जो है हमारे उन्हें हम काउंट कर लेते हैं। पहले हम सबके अपोजिट में राइट कर देते हैं कौन से कितने न्यूज़पेपर्स हैं। उर्दू के हैं 700, तेलुगु के 400, तमिल के 1000, पंजाबी के 200, मराठी के 1400, उसके बाद है मलयालम के, वो भी आपके 1400 हैं, हिंदी के 3700 हैं, गुजराती के हैं आपके 1100, इंग्लिश के 3400 एंड बंगाली के 1100। तो इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये आपका एडिशन करने पर देख लेते हैं, 700 प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 200 प्लस 1400 प्लस 1400 प्लस 3700 प्लस 1100 प्लस 3400 प्लस 1100 इक्वल्स टू, यहाँ जाएगा आपका 14400। आपको यहाँ राइट करना है इंटू 100, 2 0 से 2 0 गए यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 3700 को 144 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 25.7%। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, फाइंड द एक्सेस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंग्लिश ओवर दोस पब्लिश इन उर्दू। तो इंग्लिश वाले हैं आपके 3400 और उर्दू वाले हैं आपके 700, दोनों को ही हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2700। ठीक है, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे, नेम टू पेयर्स ऑफ लैंग्वेजेस विच पब्लिश द सेम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। तो सेम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आ रहे हैं आपके गुजराती एंड बंगाली के। ठीक है, गुजराती और बंगाली। नेक्स्ट है, स्टेट द लैंग्वेज इन विच द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड। तो वो है आपकी पंजाबी, जिसमें सबसे कम न्यूज़पेपर पब्लिश किए जा रहे हैं। उसके बाद है स्टेट द लैंग्वेज इन विच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आपके हिंदी में ही पब्लिश हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टेट द लैंग्वेजेस लैंग्वेज इन विच द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इज बिटवीन 2500 एंड 3500। ठीक है, 25 और 3500 के बीच में कौन कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे हैं। तो वो है आपका सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर, दैट इज इंग्लिश। नेक्स्ट है वेदर्स स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन मलयालम एंड मराठी टुगेदर इज लेस देन दोज पब्लिश्ड इन इंग्लिश। तो मलयालम और मराठी, मलयालम में है आपके 1400 प्लस मराठी में आपके 1400, दोनों मिलके हो गए 2800 विच इज लेस देन पब्लिश इन
इंग्लिश दैट इज 3400। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई ट्रू। उसके बाद आ जाइए बी वाले पे, द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन तेलुगु इज मोर देन दोज पब्लिश्ड इन तमिल। तेलुगु और तमिल, तो तेलुगु है आपके 400 और तमिल है आपका 1000। ठीक है, और इन्होंने हमें यहाँ पे क्या बताया है, द नंबर ऑफ न्यूज पेपर पब्लिश इन तेलुगु इज मोर देन पब्लिश इन तमिल, बट तमिल के ज्यादा हैं तेलुगु के कम हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी फॉल्स। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और जब तक मैं आपके लिए इस चैप्टर का न्यू वीडियो यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।